बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसको रुक करेंगे। दिल्ली पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, थोड़ी देर बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बैठक करेंगे उनके साथ, और काफी अहम ये मुलाकात हो सकती है ऐसा बताया जा रहा है। दिल्ली पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, से पहले भी हमने देखा कि मनोहर लाल से उनकी मुलाकात हुई और प्रेस ब्रीफिंग भी उन्होंने की, और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी किया गया, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई, तमाम मंत्री एक्शन मोड में नजर आए। अनिल विज की बात करें या कृष्ण बेदी की बात करें, तमाम तौर पर एक्शन में नजर आए, खुद नायब सैनी एक्शन मोड में नजर आए। और अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ थोड़ी देर में बैठक होगी। पहले भी हमने देखा कि मुलाकात हुई, जब नायब सैनी की बैठक हुई दिल्ली में, मनोहर लाल भी थे उनके साथ मौजूद, तो कहीं ना कहीं जो रोड मैप था और जो कनेक्टिविटी थी उस पर भी विस्तार से उन्होंने अपनी बात रखी थी। लेकिन अब आगे नितिन गडकरी से मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं, क्या कुछ रूपरेखा हरियाणा को लेकर तैयार हो सकती है, तमाम सवाल है। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। ललित, दिल्ली पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सैनी, थोड़ी देर बाद मुलाकात होने वाली है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से, क्या कुछ खास रहने वाला है? किला जो है अभी अभी नितिन गडकरी के आवास पर पहुंच चुका है। और ये देखिए आप, नितिन गडकरी के आवास पर जाते हैं नायब सिंह सैनी और ये उनकी पूरी गाड़ियों का काफिला है। और आज जो उनकी मुलाकात होने वाली है सीएम बनने के बाद, ये मुलाकात पहली मुलाकात है और इस मुलाकात में काफी अहम इसको माना जा रहा है हरियाणा के लिहाज से। 5:30 बजे मीटिंग का समय था लेकिन नायब सिंह सैनी उससे पहले ही मीटिंग के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं। और सबसे दिलचस्प बात ये भी है कि आज हरियाणा के स्टेट प्रोजेक्ट्स को लेकर, हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेकर उनकी ये मुलाकात होने वाली है। और माना ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद ये उनकी एक तरह से पहली तटस्थ मुलाकात भी है, तो ये एक अहम मुलाकात है। और अब से थोड़ी देर बाद ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। और सबसे दूसरी ये भी बात है कि जिस तरीके से आगे प्रोजेक्ट्स चलने हैं हरियाणा में सड़क परिवहन के, उनको लेकर भी आज लंबी चर्चा होने की उम्मीद है। जी ललित, क्या यह माना जाए इस मुलाकात के बाद हरियाणा में एक बार फिर से नया आयाम देखने को मिलेगा, विकास की रफ्तार हरियाणा पकड़ेगा? क्योंकि जब से कैबिनेट का गठन हुआ, मंत्रियों को विभाग सौंपे गए, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि और मंत्री भी। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से इस बार हम देख रहे हैं कि सरकार के तेवर कुछ अलग तरीके के हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आते ही जो है यहाँ पर पहुंचते ही जो है पहले सरकार में शपथ लेने के बाद उन्होंने सबसे पहले डायलिसिस सेवा की, फ्री सेवा की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने समाधान शिविर की योजना को लेकर आए जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके। और समाधान शिविर नायब सिंह सैनी सरकार का एक पुराना एक तरह से उपाय था, जनता को राहत देने का तरीका था और उन्होंने वो तरीका अपनाया है। एक बार फिर से अब सभी नगर निगमों में जो है सुबह 9 से 11 बजे तक जनता दरबार लग रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। क्या कुछ जानकारी और मिल पाएगी अपडेट के लिए आपके पास आते रहे।